नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है 9 PM। और इस हफ्ते हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जिससे कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विंध्य का हर इंसान रूबरू होता है और उसके जहन में कुछ सवाल खड़े होते हैं। सवाल इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि जब यह व्यवस्था इस मुद्दे पर, जिस मुद्दे की आज हम बात करने जा रहे हैं, बात करती है, जब ये पूरी व्यवस्था उस पर बात करती है, तो इंसान बड़ी उम्मीदों के साथ उसकी ओर देखता है, प्रशासनिक तंत्र की ओर देखता है, जनप्रतिनिधियों की ओर देखता है, लेकिन उसके बाद भी हताश होता है। हताश क्यों होता है? क्योंकि हालात समाज के बेहद खराब है। 9 PM में आज हम बात कर रहे हैं नशीली कफ सिरप के कारोबार और युवाओं की जो फौज नशे की गिरफ्त में है, मौत के मुहाने में खड़ी है, उसके बारे में। विंध्य क्षेत्र पर एक बहुत बड़ा तमगा लगा हुआ है और वो तमगा है नशीली कफ सिरप के सेवन का, ये युवाओं पर लगा हुआ है। देश भर में विंध्य क्षेत्र इस चीज के लिए बदनाम भी है कि नशीली कफ सिरप का सेवन सबसे पहले विंध्य से ही शुरू हुआ था। रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, सिंगरौली, बड़े व्यापक स्तर पर यहां के युवा नशे के गिरफ्त में हैं, मेडिसिन का नशा कर रहे हैं। जिन दवाइयों की खुराक डॉक्टर निर्धारित करता है और अगर ज्यादा डोज हो जाए तो उसके तमाम साइड इफेक्ट होते हैं, उन नशीली दवाइयों को जो सिर्फ किसी मर्ज होने पर ही इस्तेमाल होनी चाहिए, युवा बड़े शान से पी रहा है, अपना भविष्य चौपट कर रहा है। लेकिन आप सोचिए कि आखिर यह सब कुछ क्यों हो रहा है? और इतने सालों से, लगभग 15 सालों से रीवा में, विंध्य में यह नशा किस तरह से अपने पैर पसार रहा? कार्रवाइयों के नाम पर तमाम कोर्स ऑफ एक्शन की बात होती है लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगता। खेप पकड़ी जाती है, नेक्सस तोड़ने की बात होती है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि यह नेक्सस टूटा है? अगर यह नेक्सस टूटा होता तो आए दिन की जो धरपकड़ है वो एक सीमा तक जाकर रुक सकती थी, लेकिन अब तक नहीं रुक पाई। रीवा में अभियान चल रहा है, पुलिस कप्तान नवनीत भसीन पूरे जिले में अभियान चला रहे हैं नशे के खिलाफ, नशीली कफ सिरप, इंजेक्शन, टैबलेट, गांजा, शराब, खूब कोर्स ऑफ एक्शन हुए, ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हुई, लेकिन खेप आनी नहीं रुकी, यानी कि नेक्सस नहीं टूटा है। आप समझिए कि क्या परिस्थितियां हैं पूरे जिले की, युवा किस मुहाने खड़ा हुआ है। जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों से हमें यह सवाल पूछना होगा कि इस मुद्दे को लेकर सदन में कितनी बार बहस की गई कि जो नशे की खेप दूसरे राज्य से आ रही है, यहां के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही है। पंजाब जैसे हालात हैं, अगर मेडिसिन नशे की बात की जाए तो हमारा विंध्य, हमारा रीवा कहीं पीछे नहीं है। उड़ता पंजाब, उड़ता विंध्य, उड़ता रीवा भी तो है। ब्राउन शुगर पिछले दिनों जब रीवा पुलिस ने पकड़ी थी, कार्रवाइयां शुरू हुई, तब सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस नशे ने पंजाब जैसे राज्य के युवाओं को तहस नहस कर दिया, ब्राउन शुगर और तमाम वो चीजें कितनी हार्मफुल हैं, वो अब रीवा विंध्य भी आ चुका है उस तरह का नशा भी, लेकिन जड़ों में क्या है? नशीली कफ सिरप, इंजेक्शन, टैबलेट, इनका नशा जिस तरह से प्रचलन में है, आप कहीं नहीं, आप जिस गली मोहल्ले में रहते हैं, रीवा शहर की बात कर रहा हूं या रीवा जिले के, बारिश के दिनों में आपको पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी तादाद में नशीली कफ सिरप का रीवा में लोग सेवन करते हैं। जब हल्की बारिश में बाढ़ जैसे हालात होते हैं तो नालियों से वो कफ सिरप की शीशियां बहती हैं, सबने देखा होगा। जो यूरिनल है शहर में, वहां देखिएगा क्या स्थिति है,
छोटे छोटे नुक्कड़ के पीछे जो कचरे के ढेर हैं वहां देखिएगा, चाय की दुकान के आसपास देखिएगा, आपको तस्वीरें साफ हो जाएंगी। कहां से आ रहा है ये सब कुछ? पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन करती है, एनडीपीएस के तहत कार्रवाई करती है, रिकॉर्ड बनाया है पुलिस ने, ऐसा नहीं है। पिछले 11 महीनों में रीवा पुलिस ने 70,000 शीशियां जब्त की हैं नशीली कप सिरप की, 200 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है, करोड़ों रुपए की कप सिरप पकड़ी है। लेकिन परिस्थितियां देखिए, कितनी आसानी से यह नशा उपलब्ध हो रहा है शहर में। टोल फ्री नंबर एसपी ने रिलीज किया, शिकायत करिए धरपकड़ होगी। लेकिन सवाल अब कहां पे खड़ा हो रहा है, इतने बड़े सिस्टम में अगर सब निष्पक्ष हैं, सारी चीजें बहुत ट्रांसपेरेंट हैं, तो इन एक्सेस क्यों नहीं टूट पा रहा है? रास्ते, प्रयागराज के रास्ते, शंकरगढ़ के रास्ते, मिर्जापुर के रास्ते, हनुमना होते हुए ये कप सिर्फ आ रही है और विंध्य और रीवा में जबरदस्त तरीके से खपाई जा रही है। इस मुद्दे पर जहां युवा मौत के मुहाने पर खड़ा है, हमारे जनप्रतिनिधियों ने इस विषय को लेकर कितनी बार आवाज उठाई, कितने संवेदनशील हैं। लगभग 20 साल हो जाएंगे, अगर अभी 15 साल 18 साल का आंकड़ा देखा जाए, जिस रफ्तार से ये चीजें हुई हैं, सवाल सब पर खड़े हो रहे हैं। गांजे की खेप शहडोल के रास्ते, सिंगरौली के रास्ते, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश आ रही है। नेक्सस टूट नहीं रहा है, इस चीज को आप मानिए, प्रशासनिक तंत्र को भी मानना पड़ेगा। लोकल स्तर पर जो कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन खेप अगर उत्तर प्रदेश से आ रही है, तो क्या पुलिस डिपार्टमेंट के पास ये रिकॉर्ड है कि जिस खेप को उन्होंने मध्य प्रदेश में पकड़ा है, उत्तर प्रदेश में कहां से आई, उसका ओरिजिन क्या है, कहां से वो खेप उठाई गई और किस तरह से आई? ऑनलाइन पिछले दिनों रीवा में डिलीवरी हुई है और फिर उसको पुलिस ने पकड़ा है। सोचिए, दिल्ली से भेजी गई थी, मतलब खपत यही है, इसलिए यहां भेजी जा रही है। उत्तर प्रदेश में कौन इसका कारोबार कर रहा है, उस पर क्या कार्रवाई आज तक हुई? नाम तक नहीं आया। हमने यहां खेप पकड़ी, खेप आई, पकड़ते जा रहे हैं, कुछ पकड़ रहे हैं, कुछ नहीं पकड़ पा रहे हैं, कंजम्पशन हो रहा है, युवा बर्बाद हो रहे हैं। 5 साल पहले जो आंकड़ा, हर साल नशे के कारण जो लोग बीमार हो रहे थे, मानसिक रोगी बन रहे थे, उनका जो आंकड़ा था वो 5,000 था। 2022 में ये आंकड़ा 8,000 है। आप सोच लीजिए कितना बड़ा आंकड़ा है। किसकी बारी का इंतजार कर रहे हैं हम सब? अपनी बारी का, कि अब तक आग पड़ोस में लगी है या कहीं दूर लगी है तो हम सुरक्षित हैं, एक दिन हम सबका ये मकान जलेगा। जलेगा इसलिए क्योंकि इस नशे ने विंध्य के युवाओं को खोखला कर दिया है। विकास की इस अधाधुंध दौड़ में हम कभी सोच पाए कि हमारे युवा कहां पहुंच रहे हैं? आपको जान के हैरानी होगी, मेडिसिन का नशा करने वाले 80% लोग 18 से 16 से लेकर 25 साल की उम्र तक के हैं। यह हम नहीं कह रहे, ये डॉक्टर बता रहे हैं। इस ओर कब सोचेगी ये पूरी व्यवस्था? इसमें कोई डाउट नहीं है कि पुलिस महकमा काम कर रहा है, लगातार काम कर रहे हैं, धरपकड़ हो रही है, खेप पकड़ रहे हैं। कहां से शुरू हुआ है ये, किस रास्ते और किस तरह के इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है, इसकी भी जांच होनी बहुत जरूरी है। अगर हम नेक्सस खत्म कर पा रहे होते तो चीजें रुक जाती, धरपकड़ खूब हो रही है, लेकिन उतनी ही तादाद में ये नशा विंध्य और रीवा पहुंच रहा है। वैश्विक स्तर पर बड़े गाजे बाजे के साथ ये चीज बताई गई थी कि मेडिसिन नशा का ओरिजिन कोरेक्स कप सिर्फ रीवा है, इसका ओरिजिन यहां से शुरू हुआ है। पंजाब जैसे हालात हो जाएंगे और जिम्मेदार सिर्फ पुलिस महकमा नहीं, जिम्मेदार सिर्फ कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं, हम और आप, समाज जिम्मेदार है।
आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं डॉक्टर निमिषा क्या कह रही हैं। बहुत फैक्चुअल बात उन्होंने बताई है, डेटा के साथ बताई है। आपको जानना जरूरी है कि हमारे विंध्य का युवा, रीवा का युवा किस गर्त में, किस मौत के मुहाने में खड़ा हुआ है। पहले उनका पूरा बयान सुनिए। देखिए, ये जो हमारे मानसिक रोग विभाग में अभी नशे के जो ग्रसित लोग हैं, ये काफ़ी अधिकतर युवा स्पेशली पीढ़ी बढ़ती जा रही है। अगर मैं ये 5 साल पुराना आंकड़ा बोलूँ तो हमारी लगभग सालाना 5,000 के करीब पेशेंट्स आते थे जो नशे से ग्रसित थे, और अभी 2022 में इस बार के स्टेट्स में लगभग 8,000 के करीब मरीज रजिस्टर किए गए हैं जो कि नशे से ग्रसित हैं। अब जो हमारे पास में मेजॉरिटी नशे आ रहे हैं वो उनमें गांजा, कोरेक्स, नशे की गोलियां जिसमें कि अल्प्राजोलाम, स्पाजोप्रोक्सिवोन और अल्कोहल और अन्य प्रकार के नशे आ रहे हैं। अब इनमें जो है, जब जो मेजॉरिटी वाले सिम्टम्स कोरेक्स वाले जो पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, ये अधिकतर या तो विड्रॉल के साथ आ रहे हैं या फिर इंटॉक्सिकेटेड होते हैं। इंटॉक्सिकेटेड में पेशेंट्स का जो जजमेंट होता है, जो उसका निर्णय लेने की क्षमता होती है, वो इम्पेयर्ड हो जाती है। और कई पेशेंट्स को जो विड्रॉल में आते हैं वो मिर्गी के साथ आते हैं। कई लोगों को कुछ शक होने लग जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता, उनको लगता है उनका कोई पीछा कर रहा है, उनको कोई मारने आ रहा है, और उनका पूरा जजमेंट है वो बदल जाता है। कई प्रकार उसमें क्रिमिनल बिहेवियर आ सकता है, वो किसी को मार सकते हैं, और ये उनको एक प्रकार की हैलुसिनेशंस भी बोलते हैं, जिसमें कि जो स्पेशली ये गांजा में मिलता है कि उससे जो है उनको कानों में आवाज़ें आने लगती हैं, उनको लगता है 2-3 लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनका उनका पीछा हो रहा है। इस प्रकार से लक्षण प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अलावा जो है, हम लोग जैसे कि आपको पता है कि नशा मुक्ति अभियान 2 अक्टूबर से किया गया था, तो इसके तहत हम लोग महाविद्यालय में भी कई गतिविधियाँ चलाए हैं और ये सब अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं। इसमें जो अधिकतर यंग एज की बात करें तो लगभग इसमें 16 से 25 साल के बीच में हमारे मेजोरिटी जो हैं कोरेक्स वाले पेशेंट्स आ रहे हैं, और इनमें जो लक्षण हैं मुख्यतः जब वो आते हैं तो कन्फ्यूजनल बिहेवियर के साथ आते हैं, यानी कि उनको पता नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, और उनमें आक्रामक प्रवृत्ति हो सकती है, वो लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं, कई बार बड़ी बड़ी बातें करेंगे और उनके प्लान्स भी बड़े बड़े बनने लग जाते हैं, जिसको अपन ग्रैंडियोस बोलते हैं। कोरेक्स जो है एक प्रकार की जो दवाई है जो कि मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, जो रेस्पिरेटरी डिसीजेज होते हैं, कफिंग सप्रेसेंट वगैरह में यूज़ किया जाता है। पर इसका जो है, जब ये इस्तेमाल नशे के रूप में किया जाता है तो ये मस्तिष्क में कुछ प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर्स, जिसको अपन डोपामिन बोलते हैं, इसका लेवल बढ़ा देती है, और यही जो केमिकल होता है जो कि इस प्रकार का जो उनको उस कोरेक्स को लेने के बाद में जो यूफोरिया होता है, जो उनको अच्छा एहसास होता है, ये केमिकल कराता है, और यही केमिकल है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर जो कि मानसिक बीमारियां कराता है। तो आप देख रहे हैं कि अभी रीवा जिले में मानसिक बीमारियां काफी बढ़ गई हैं, तो ये कोरेक्स का इसमें काफी ज्यादा योगदान है। डेफिनेटली आप जब इसका जजमेंट बदल जाता है तो वो कुछ भी क्राइम कर सकता है, किसी को मार भी सकता है, और आक्रामक प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो वो कोई भी क्राइम कर सकता है। लोग मतलब युवाओं को अपराध की तरफ ढकेलने की कोशिश करता है। डेफिनेटली ये जो नशा है अपराध की तरफ ढकेल सकता है। न जाने कितनी जिंदगियां तबाह हो गईं, बर्बाद हो गईं, और अब भी लेकिन उम्मीद है। आप सोचिए उस माँ बाप के बारे में जिनका बच्चा मेडिसिन नशे में इन्वॉल्व हुआ है, जिसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। डॉक्टर निमिषा ने बताया कि इनकी मानसिक स्थिति किस तरह की हो जाती है। आंकड़ा सुनिए, 5,000 और इस 2022 में 8,000। फ्रस्ट्रेशन, तमाम चीजें, ये नशा शरीर को खोखला कर रहा है। ऐसा लगता है कि ये जो प्रयास होते हैं जागरूकता के, ये काफी नहीं है। कितना पार्टिसिपेशन और कितना इन्वॉल्वमेंट उन परिवारों का हो पा रहा है? क्या हम वो ट्रैक कर पा रहे हैं कि वो कौन से परिवार हैं जिनके यहां के बच्चे मेडिसिन का नशा कर रहे हैं? सामने आइए, पुलिस के साथ जुड़िए और एक मूवमेंट खड़ा करिए, तब हम इससे निजात पा पाएंगे। एडिशनल SP अनिल सोनकर को सुनिए, वो क्या कह रहे हैं पूरी मुहिम के बारे में। जागरूकता की बात कर रहे हैं लेकिन उससे क्या ये सब कुछ ठीक हुई जा रही है? आंकड़े आपके सामने हैं। जो मेडिकल नशा है ये निश्चित रूप से बहुत ही भयावह और कष्टप्रद है। रीवा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है और यहाँ पहले भी लोग कई तरह के नशे का कारोबार
आता जाता रहा। पुलिस जो है हर समय सक्रिय होकर के इन पर जो है इनके नेक्सस को तोड़ने का पूरा प्रयास करती रही है, लेकिन कुछ दिनों से जो मेडिकल नशा है ये आसानी से मेडिकल शॉपों में उपलब्ध रहा है। लोग इसको आसानी से प्राप्त कर लेते थे और इसमें इस नशे को करते थे। इसमें पैसा कम, सुरक्षा ज़्यादा रहती थी लोगों की। घर में भी इस नशे के उपयोग करने के कारण घर वालों को कुछ पता नहीं चलता था, क्योंकि यदि आप शराब का नशा करते हैं या अन्य कोई नशा करते हैं तो आपके शारीरिक हाव भाव से पता चलता था। लेकिन कोरक्स पीने से या नशीली कफ पीने से और उसके बाद आप दूसरी सामग्रियां शरीर में डाल दें तो उसकी तेज़ी और हो जाती है। ऐसे नशा न तो मुंह से गंध के रूप में बाहर आती है, न शरीर के हाव भाव से पहचानी जाती है। जब नशा करने वाला जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें लिप्त होने लगता है और उसकी फ्रिक्वेंसियाँ बढ़ जाती हैं नशे की, तब वो बाह्य रूप से प्रदर्शित होती है। ये आप जो कह रहे हैं वो सही है कि हमने लगातार प्रयास किया है और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय, माननीय कलेक्टर महोदय, इस चीज़ के लिए विभिन्न कार्ययोजना बनाई गई है। शासन भी लगातार जो है नशा मुक्त अभियान चला रहे हैं। हमने समाज के बीच में जा कर के इस तरह के जो युवा वर्ग हैं जिनकी उम्र 16-17 साल से चालू हो करके और 22-25 साल तक की है, जो इस नशे में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, इनके यहाँ स्कूलों में, कॉलेजेस में और कोचिंग सेंटरों में है, इनके यहाँ स्कूलों में, कॉलेजेस में और कोचिंग सेंटरों में जा करके नशा मुक्ति अभियान के लिए उनको अवेयर किया गया। एनजीओ संस्थाएं जो हैं जो नशा मुक्ति के लिए काम कर रही हैं उनको भी इन्वॉल्व किया गया। खुद स्वयं पुलिस अधीक्षक महोदय मेरे द्वारा, माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा समय समय पे जो है स्कूलों और कॉलेजों में जा करके इस नशा मुक्ति के लिए जो है लोगों को संवेदनशील बनाया गया कि नशे से दूर रहें और नशे जो करते हैं उनको भी इससे दूर रहने के लिए अवेयर करें, उनको सावधान करें, उनकी नशे से होने वाली जो स्वास्थ्य संबंधी आर्थिक परेशानियां जो उनको आती हैं इससे बचने के लिए नशे को छोड़ने का क्या क्या उपाय है इसके बारे में भी बताया गया। कौन कौन सी संस्थाएं ऐसी हैं जिससे नशा मुक्ति के लिए काम करती हैं उनके लिए भी बताया गया और उनको अवेयर किया गया। ये सारे संसाधन हम लोगों ने उपयोग करके नशा रोकने का प्रयास किया है। इसमें आपके माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहूँगा सभी को कि इसमें ये नशा अगर मुक्त करना है तो इसमें समाज के लोगों को भी आना पड़ेगा। इसमें सभी वर्ग जब तक शामिल नहीं होंगे, सभी क्लासेस इसमें एकजुट होगी नहीं, तब तक हम इसे मुक्ति दिलाने में कठिनाई होगी। कारण ये है कि नशा जो है इसमें जो लोग व्यापार में, व्यवसाय में, परिवहन में, इस तरह के नशे में जो संलग्न है, जो इनका नेक्सस है, ये बहुत ही नीचे स्तर तक इनकी जड़े हैं। और चूँकि बहुत ज़्यादा मार्जिन है इसमें, लोग कम समय में ज़्यादा गेन कर पाते हैं इसमें, जो नशे में इन्वॉल्व है वो किसी भी परिस्थिति में कहीं से भी उस बजट का जो है बहुत बड़ा हिस्सा जो है कहीं से भी अरेंज करने का प्रयास करते हैं, चाहे वो परिवार में चोरी कर लें, दूसरे कोई अपराध कर लें और उनसे इकट्ठे करके इनके तक पहुंचता है। तो ये अधिक लाभ वाला धंधा होने के कारण ये लोग जुटे हुए हैं और इसमें कई लोग जो है उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसको जब तक समाज के सभी वर्ग के लोग इसमें शामिल नहीं होंगे, और मैं मीडिया से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी जब तक हमारे साथ रह करके और नशा मुक्ति में ही पूरे तरीके से हम इनके पीछे लग करके इसे मुक्त नहीं कराएंगे, तब तक ये समाज से बाहर
विंध्य और रीवा के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा है ये नशा, मेडिसिन का नशा, और कैसे इस नशे से हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को बचा पाएंगे इसकी चिंता सामाजिक लोग, राजनैतिक लोग, जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो इसके लिए क्या मुहिम चला पाएंगे, गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ चौराहे चौराहे जो ये नशीली कप सिर्फ बिक रही है, मेडिकल स्टोरों पर क्या निगरानी हो पा रही है, सबको पता है, तमाम मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध हो जाती है, बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ये चीजें मिल रही हैं, लोग नशा कर रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं और जड़ अपराधों की इसी मेडिसिन के नशे से होकर गुजरती है। ये इतना घातक है, डॉक्टर ने आपको बताया। और सवाल आपसे कि इससे हम कैसे निजात पाएंगे, नेक्सस नहीं टूट रहा है, बाहर से जो खेप आ रही है लगातार आ रही है, पुलिस लगातार धरपकड़ करती है, आप गूगल में सिर्फ सर्च कर लीजिए रीवा नशीली कव या कुछ भी डाल दीजिए सिर्फ, आप देखिए कि सर्च इंजन में कितनी चीजें निकल के सामने आएंगी। इसलिए इस मुहिम को आपको, हमें, समाज को, राजनीतिक लोगों को, सबको साथ खड़े होकर, प्रशासन के साथ खड़े होकर प्रयास करने होंगे। कितना सफल होंगे कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।